Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Oil and Gas Information. Here Saqib Khan. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी ड्रिलिंग रिग पे जो रोस्टबाउट की जॉब होती है उनकी मेन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी ड्रिलिंग रिग पे रोस्टबाउट की जॉब करना चाहते हैं तो आपकी ये कुछ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, इनको हम वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे कि फॉलोज द कंपनी एचएससी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आपको जो कंपनी की एचएससी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फॉलोज द रिग मैनेजर एंड टूल पुशर ऑर्डर। अगर आपको रिग पे रिग मैनेजर या टूल पुशर कोई ऑर्डर देते हैं तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लीन स्क्रैप्स एंड पेंट द डिफरेंट इक्विपमेंट एट रिग साइट। रिग साइट पे डिफरेंट इक्विपमेंट को आपको क्लीन करने पड़ेंगे, उनको स्क्रैप वगैरह और पेंट वगैरह करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑफलोड सप्लाईज एंड मूव देम टू द स्टोरेज एरिया। अगर बाहर से कुछ लोड्स वगैरह आते हैं या कुछ चीज़ें आती हैं तो उनको आपने ऑफलोड करना है और स्टोरेज एरिया में मूव करना है। नेक्स्ट है मूव डिफरेंट ड्रिलिंग सप्लाईज एंड इक्विपमेंट टू द रिग साइट। आपको कुछ ड्रिलिंग इक्विपमेंट को रिग साइट पे मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हेल्प द असिस्टेंट ड्रिलर एडी टू मेंटेन एंड प्रिपेयर डिफरेंट ड्रिलिंग इक्विपमेंट। आप असिस्टेंट ड्रिलर के साथ ड्रिलिंग रिग के डिफरेंट इक्विपमेंट की मेंटेनेंस में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है जी मिक्सिंग द केमिकल्स टू प्रिपेयर मड फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन। आपने मड टैंक पे जो मड तैयार करनी है उसके लिए आप केमिकल मिक्स करेंगे ताकि ड्रिलिंग ऑपरेशन कंटिन्यू रखा जा सके, और इस चीज़ में आप मड इंजीनियर और डायरेक्ट मैन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है असिस्ट विद द क्रेन एंड फोक लिफ्ट ऑपरेटर टू ऑफ लोड एंड मूव द लोड्स। जब कभी क्रेन या फोक लिफ्ट से कोई चीज़ ऑफ लोड या मूव करनी है तो उस सूरत में आप क्रेन और फोक लिफ्ट ऑपरेटर की हेल्प करेंगे, मीन्स कि उसको सिग्नल वगैरह देंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड जनरल सपोर्ट एज रिक्वायर्ड बाय द टूल पुशर एंड ड्रिलिंग क्रू। जब कभी टूल पुशर या ड्रिलिंग क्रू को कोई हेल्प चाहिए होगी तो उस सूरत में आप उनकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है हेल्प द मैकेनिक एंड इलेक्ट्रीशियन फॉर इंस्टॉलिंग न्यू इक्विपमेंट। जब कभी रिग साइट पे मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन ने कोई नया इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है तो उस सूरत में आप उनकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है रिमूव द रबिश फ्रॉम द रिग साइट एंड कीप द एरिया क्लीन। रिग साइट पे जितना भी रबिश मटेरियल होता है उसको आपने रिमूव करना है और अपने एरिया को क्लीन रखना है। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स एनी अनसेफ प्रोसीजर टू देयर सुपरवाइजर। अगर आप कोई अनसेफ प्रोसीजर देखते हैं रिग साइट पे तो आप अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेंगे। द नेक्स्ट इज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एंड प्रमोट कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी कंपेन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड इंश्योर पर्सनल सेफ्टी एंड देयर कोलीग्स एट ऑल टाइम। आप जो कंपनी की एचएससी कंपेन्स वगैरह होती हैं, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है और उनको प्रमोट करना है, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपनी सेफ्टी और अपने कोलीग की सेफ्टी हर टाइम रखेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड सपोर्ट एज पार्ट ऑफ ड्रिलिंग एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। जो ड्रिलिंग रिग पे एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होती है उसको भी आपने सपोर्ट करना है। एक्चुअली किसी भी ड्रिलिंग रिग पे जो रोस्टबाउट की जॉब होती है या कोई और भी जॉब, हर कंपनी का मेन एम ये होता है कि आप सेफ तरीके से काम करें, इस तरह आपको और कंपनी दोनों को फ़ायदा होता है। आई होप कि रोस्टबाउट जॉब की जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं
उनके बारे में आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। और अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम ट्राई करेंगे जल्द अज जल्द उसका आंसर दिया जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। और साथ ही हमारे YouTube चैनल ऑयल एंड गैस इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जैसे इस चैनल पे नई वीडियोस अपलोड हो वो आपकी नोटिफिकेशन में आ जाएँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।